नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार यूं तो किसान हितैषी होने का दावा करती है, गरीब हितैषी होने का दावा करती है, परंतु दो दिन में जो प्रकरण सामने आए हैं उनसे शिवराज सरकार की छवि पर न केवल बट्टा लग रहा है बल्कि ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि सरकार किसानों और गरीबों के लिए वाकई में कुछ कर रही है या फिर जिसको कहें सिर्फ दिखावा हो रहा है। बात अगर की जाए गरीबों को बंटने वाले अनाज की तो उसमें घटिया चावल को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के गृह जिले सीहोर में एक किसान द्वारा आत्महत्या करने का मामला हो या दमोह में एक किसान के जहर पीकर जान देने का मामला हो, इसे लेकर कांग्रेस मुखर है। आज इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय। बात कांग्रेस की, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और नेता हैं वरिष्ठ संतोष परिहार जी, कांग्रेस का पक्ष यहाँ पर रखेंगे, और सपाक्ष के नेता के रूप में हरिओम गुप्ता जी रहेंगे, वो यहाँ बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नाकामियों के बारे में अपनी पार्टी की राय बताएंगे। सबसे पहला सवाल यहाँ संतोष जी आपसे कि ये जो प्रमुख मुद्दा आपने उठाया है पहला किसानों का और ख़ास तौर पर आत्महत्या वाला, ये क्या है? ये वाकई इसमें कुछ सच्चाई है या सिर्फ ट्विटर के जरिए आपको पब्लिसिटी पानी थी इसलिए ये ट्वीट कर दिया? देखिए प्रकाश जी, इसमें पूरी सच्चाई है। किसानों का आत्महत्या करना होना शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के अंदर बढ़ते हुए कोरोना के अंदर ना ध्यान देके, आपदा के अंदर ना ध्यान के, केवल कालाबाजारी करके पूरे मध्य प्रदेश में ये सरकार जो है लूट का काम कर रही है। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या है कि जो है जो जो अनाज बांटा जा रहा है वो जानवरों को देने वाला अनाज जो है उनको देने जा रहा है और बात कर रहे हैं। ये मध्य प्रदेश में कोरोना के काल में इन्होंने कोरोना को अवसर में बदल के चारों तरफ जो है लूट का कारोबार कर रहे हैं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता सरकार। इसका आने वाले समय में बहुत ही दुर्गामी बेकार परिणाम होने वाला है, क्योंकि कहीं कोई जांच नहीं हो रही, कहीं कुछ नहीं, केवल भगवान भरोसे छोड़ दिया। बड़ी बड़ी रैलियाँ करा रहे हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग, ना कोई कुछ। बस ये आप ये मानिए प्रकाश जी कि मध्य प्रदेश सरकार राम भरोसे छोड़ दी गई है। कैसे भी जो है इसके अंदर रोज़ केस बढ़ रहे हैं, सारी प्रक्रिया हो रही। अब आप किसानों ने आत्महत्या करना शुरू, बड़े दुख का विषय है। जो किसान पुत्र अपने आप को कहने वाले माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी बातें करते थे, वो तो केवल उड़न खटोला ले लिया है, हवाई जहाज उससे चारों तरफ यात्रा घूम रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार इस समय बोझ कर्ज के बोझ पर डूबी हुई और कर्ज के बोझ में लाद के और पीछे ले जाने का काम चल रहा है। नहीं, पर ये अगर आप किसानों की बात कर रहे हैं तो उसके बारे में कमलनाथ जी ने ट्वीट किया है कि वो कर्ज से और बाकी फसल खराब होने से उसने जान दी है फांसी से लटक कर, परंतु सरकार की तरफ से और शिवराज जी की तरफ से ये बयान आया है कि साहब उनका लड़का ही कह रहा है कि जो किसान हैं वो मानसिक रूप से उनकी हालत अच्छी नहीं थी इसीलिए उनने आत्महत्या की। देखिए प्रकाश जी, बहुत अच्छा, जो कर्जों में डूबा रहेगा, स्थिति चारों तरफ फसल खराब हो जाएगी, मानसिक स्थिति निश्चित खराब हो जाएगी। और कारण तो यही है कि जो अभी आने वाले समय में और भयानक परिणाम होने वाले हैं। तो ये जो स्थिति जो है ना, मध्य प्रदेश को झूठा बहाना नहीं बना के इसके अंदर किसानों के पक्ष में काम करे सरकार और उसके अंदर उनको राहत दी जाए। और राहत नहीं मिलेगी तो क्या होगा, यही स्थिति होगी। ये तो क्या है कि अपने बचाने के लिए झूठा वो करके, जो माननीय कमलनाथ जी ने कहा बिल्कुल सही कहा है, और इसके अंदर बहुत दुर्गम अभी देर आए, अभी सुधार कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा मध्य प्रदेश। बिल्कुल, यहाँ मैं गुप्ता जी आपसे जानना चाहूँगा, किसानों के मुद्दे पर ये सरकार वाकई कुछ ज़मीनी काम कर रही है या फिर सपाक्ष की नज़र में कुछ और है? देखिए सर, दोनों जो दल हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, सिर्फ किसानों के नाम पर अपनी राजनीति को हम कैसे चमकाएं ये काम करते हैं। उस समय जब पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने मंदसौर में जब किसानों के ऊपर गोली चलवाई थी, आंदोलन किया था किसानों ने, उसको एक मुद्दा बनाकर कांग्रेस ने प्रदेश में जो ड्राइव चलाया, सपाक्ष पार्टी ने भी जिस तरीके से उसमें सरकार सरकार के विरोध में काम किया, और किसानों के मुद्दे पर कि हम किसान कर्ज माफी करेंगे, कांग्रेस सत्ता में भी आई और कांग्रेस सत्ता में 15 महीने रही और फिर उन्हीं में आपस में सत्ता का लाभ के बंटवारे में विवाद होने के कारण
उनमें उसके कारण सरकार 15 दिन चली। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा उन विद्रोहियों के माध्यम से इस्तीफे दिला के और किसी तरीके से वो बनाई है, और वो फिर वही किसानों की बात कर रहे हो। किसानों की बात पर आपने 2-3 बार इसमें विस्तृत चर्चा कराई है, कभी भी किसानों के साथ कभी न्याय नहीं होता है, चाहे वो उनकी फसल बोने के समय बीज का मामला हो, खाद का मामला हो, या चाहे प्राकृतिक आपदा का मामला हो। प्राकृतिक आपदा के मामले में अभी पहले एकदम पानी नहीं गिरा था, फिर पानी गिरा, इतनी तेजी से पानी गिरा, लेकिन इसके पहले सोयाबीन में इस बार पहली बार मालवा अंचल में और भोपाल अंचल में ऐसा गंभीर रोग लगा जिसमें पत्ते तो पीले हुए ही डंठल के अंदर भी इल्ली पहुंच गई, और उसके कारण ना तो उसमें फलन हुआ कुछ, अफलन की स्थिति हो गई, मतलब वो तो ऐसी स्थिति आ गई कि उसको जानवर भी नहीं खा सकते। और जिन किसानों ने महंगा सोयाबीन का बीज लेकर अब इस समय सोयाबीन जिस समय बीज लिया तो उससे 1,000 रुपए क्विंटल कम है, लेकिन बीज बोझे बोनी के समय किसानों ने महंगा बीज लेकर बोया और उसकी कोई स्थिति ना हो, और उसके बाद प्रकृति ने फिर 2 दिन लगातार पानी बरसा कर इस पूरे मालवा अंचल में और भोपाल होशंगाबाद संभाग में जिस तरीके से फसलों का नुकसान हुआ है, निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति होगा जिसकी सारा जीवन जिसकी फसल के ऊपर निर्भर है वो अगर समाप्त होती है तो किसान में बहुत ही मानसिक उत्पीड़न रहता है, और ऐसी स्थिति में वो कुछ भी कर सकता है। मुख्यमंत्री जी ने अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए उन्होंने दौरे किए हैं और ये घोषणा की है कि हम रेवेन्यू 6-4 के अंतर्गत जो वाजिब मुआवजा होगा वो दिलवाएंगे, और इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी हम लाभ दिलवाएंगे। और मध्य प्रदेश में इन्होंने थोड़ा सा विभाग में कार्रवाई की है और अधिक से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री बीमा योजना में शामिल किया, लेकिन प्रधानमंत्री बीमा योजना का जो लाभ है वो अगली फसल के बाद आएगा, अभी तो कोई तत्काल नहीं मिलना। तो अब ऐसी स्थिति में रिलीफ के जो कैंप लगने हैं वो रिलीफ अगर समय पर मिल जाए, और दूसरा जो बैंकों की और विद्युत विभाग की जो दादागिरी हमेशा किसान के ऊपर रहती है, कमजोर वर्ग के ऊपर रहती है, अगर संवेदनशील सरकार है तो उनको इस पर जरूर निगाह रखना चाहिए। और हमारा जो कांग्रेस के प्रतिनिधि, ट्वीट करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ क्या है, 27 सीटों पर चुनाव जीतना है, सत्ता हमें वापस लानी है। ट्वीट की जगह मैं चाहता है कि कांग्रेस में अगर ये क्षमता होती तो वो ऐसे पीड़ित लोगों के बीच में जाती। कांग्रेस ने तो पिछले 15 महीनों में जब सरकार राज किया था उस समय भी बहुत प्राकृतिक आपदा आई, उस समय कोई मंत्री को किसी ने कहीं को विजिट नहीं किया, और इस सरकार में भी अकेले मुख्यमंत्री घूम रहे, किसी भी जिले में कोई मंत्री नहीं गया, सब जो जिनको चुनाव लड़ना है वो मंत्री जरूर अपने अपने क्षेत्रों में घूम रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि इसमें हम उन दोनों दलों की कोई राजनीतिक वो ऐसा है कि किसानों के प्रति उनकी हमदर्दी हो, उनकी हमदर्दी वोट के प्रति है, माहौल को कैसे अपने पक्ष में करके सत्ता पर हम कैसे काबिज बना रहे हैं, ये दोनों दल नूरा कुश्ती कर रहे हैं। या मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, आप कह रहे हैं कि ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं, पर कुछ तो काम हुए हैं अभी भी कि किसानों के बीमे के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी, हालांकि ये बात और है कि कई किसान इससे वंचित रह गए हैं। निश्चित रूप से इस बात से सहमत हूँ, मैंने कहा ना कि विभाग ने कुछ गतिशीलता आई है, और देश में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, क्योंकि उसमें एक अंश किसान को भी देना पड़ता है, तो मोटिवेशन किसी नेताजी के कहने से नहीं होगा, वहां का पटवारी ग्राम सेवक अगर सक्रिय रहेंगे और उन्हें कहेंगे, और दूसरा किसान भी समझ रहा है, चूंकि आते ही जिस समय शिवराज जी दोबारा जब 15 महीने के बाद दोबारा आए तो पिछले बार का जो फसल बीमा का पैसा था वो सिर्फ इसलिए रुका था क्योंकि स्टेट ने अपना फंड उस कंपनी में जमा नहीं किया था, आते ही इन्होंने स्टेट का फंड जमा कराया और फिर उससे जो 34 करोड़ रुपया जो मिला वो किसानों के खातों में ट्रांसफर हुआ। तो किसानों को ये तो मालूम है कि बीमे एक बार यदि हम उसमें बीमित हो जाते हैं, हम अपना अंश जमा कर देते हैं, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने अंश के लिए उत्तरदायी हो जाएगी, और जब भी कोई नेचुरल क्लेमिटी के आधार पर अगर मुआवजा मिलेगा तो वो पैसा उनके खातों में आएगा। तो काम तो ऐसा नहीं है कि काम, अभी उन्होंने जैसे पीड़ितों के लिए 5 लीटर मिट्टी का तेल भी देने की बात की है, अब जैसे अभी चावल जो जिस तरीके से बालाघाट में बटा, ये चावल का नेक्सस आज का नहीं है, ये पिछले 10 साल का, हमने पिछली बार सपाक्स में इसको बहुत मुद्दा उठाया था, शिवराज सिंह जी के समय चावल बालाघाट की रैक चली विदिशा तक आई और विदिशा में वहां बिल्कुल अड़ गए वो लोग, नागरिक आपूर्ति निगम वाले के नहीं, हम ये गलत क्वालिटी का चावल आया, वो वापस हो गई वो रैक।
तो इस तरह के मामले बालाघाट में तो ये पिछले 10-20 साल से नेक्सस चल रहा है कि वहां घटिया किस्म का चावल व्यापारी जो जिन मिलों से लेते हैं। तो इस नेक्सस नेक्सस में कौन कौन शामिल है? देखिए उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन इन्वॉल्व है, बहुत करोड़ों रुपए का खेल है। और दूसरा क्या है, चूंकि वहाँ महाराष्ट्र नहीं, पर कल जिस तरह से अगर सीएम को पता चला तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाकर बाकायदा जो जिला प्रबंधक हाँ। था उसका ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर कोई हल थोड़ी होता है। अब जे जैसे कांग्रेस पक्ष कह रहा है कि साहब वो तो ये सब ये चावल जो एकत्रित हुआ सब इनकी सरकार के समय इकट्ठा हुआ, तो कहीं ना कहीं क्वालिटी कंट्रोल, अब ठीक है उस समय थोड़ी बहुत राजनीतिक दबाव जरूर रहता है कि भाई किसान का कोई भी चीज वापस नहीं जा, पर किसान के नाम पर बहुत सारा माल जो हमारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ राज्य के दूसरे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट लगे हुए हैं, वहां व्यापारियों का माल जाता है। और ये प्रमाणित हुआ है कि वो भाई भारत सरकार में जब शिकायत पहुंची और उन्होंने दिल्ली वाले आके जांच कर रहे हैं और ये लगा रहे हैं कि साहब ये तो ये जो चावल है ये तो पशुओं के स्तर का चावल था, तो फिर ये कैसे रिलीज हो गया, गोदामों में कैसे आ गया, पिछले एक साल से गोदामों में रखा है और नागरिक आपका जो चैनल सिस्टम है वो उठा रहा है और उठा के बांट रहा है, तो क्या एक का सिस्टम है? कहीं ना कहीं हमारा पूरा नागरिक आपूर्ति निगम सिविल सप्लाई चैन है वो पूरी ना कहीं इन्वॉल्व है। और इसमें आप देखते हैं कि इन बड़े कॉरपोरेशनों में बहुत बड़े बड़े दबाव डालकर लोग अहदेदार ही पदस्थ होते हैं और इसमें बहुत लंबा रैकेट है, लेकिन सरकार यदि इच्छा शक्ति अपनी प्रबल रखे छोटे दो लोगों को निलंबित करने से कुछ नहीं होगा। ऐसा ही एक मुद्दा होशंगाबाद का था जहां आज से 4 साल पहले गेहूं की इकट्ठा हुआ और सुहागपुर क्षेत्र के विधायक पर आरोप लगा कि उन्होंने कम से कम बहुत एक लंबा गेहूं उसमें से गायब करवा दिया गया। तो ये तो लीड सोसाइटी और खरे संतोष जी समय ये बहुत बड़ा रैकेट है, सरकार अगर अपनी दम पर आ जाती है तो सारी चीजों को समाप्त किया जा सकता है। संतोष जी आपकी पूर्ववर्ती सरकार पर यानी कमलनाथ सरकार पर ये आरोप लग रहे हैं बीजेपी के द्वारा कि साहब ये घटिया चावल खरीदा तो कमलनाथ जी नहीं था। देखिए ये मध्य प्रदेश में सोसाइटी का बहुत बड़ा जाल है, अधिकारी इसके सबसे बड़े डाकू हैं। अब आप ये अपने आप को डाकुओं का जो गिरकट था नहीं, देखिए आप पुराना देखिए पुरानी क्या स्थिति, आज की स्थिति में कोई भी आए तो उन्हें का पिछले सरकार पे टाल दो। आज भैया आज आप कार्रवाई करिए, आप जो भी उसमें जो जिम्मेदार है उसके ऊपर FIR क्यों नहीं करते माननीय मुख्यमंत्री जी? ये फालतू लोगों को बरगलाने के लिए चलो जिसने खरीदा पूर्व में जो वो अभी सस्पेंड अभी कोई रिटायर्ड थोड़ी होगा, उनके ऊपर कार्रवाई करिए आप। ये तो क्या अपने उसको छुपाने के लिए पूर्ववर्ती सरकार पे आप किसानों की बात करेंगे? किसानों के अंदर 26 लाख जो किसान है जिसके जो कर्जा माफ हुआ था उनकी बाकायदा जो पेन ड्राइव पूरे दे दी गई सबको कि भैया ये सबके मोबाइल नंबर ये है, इनने क्या करा किसानों के लिए? ये केवल झूठ मूठ के जो है सपने दिखाते हैं, घूमने से मुँह चलाने से कोई काम नहीं चलता। पर वो आरोप ये लगा रहे हैं बीजेपी वाले के साहब इन्होंने घटिया धान खरीदा इसीलिए वो गोदाम में पहुंचा, गोदामों से फिर वो बैठने के लिए आ गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि उस पर कार्रवाई करे ना सरकार, है इनकी जेल भेजे ना जो नेता हैं जो अधिकारी हैं जो है उनके बहुत बढ़िया बात कही क्यों नहीं करते हैं? ये छुपाने वाली बातें हाँ। जो है ये जो 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 मध्य प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता बने जो अधिकारी जो काम कर रहे हैं जो घटिया जो चावल सप्लाई कर रहे हैं उसको कार्रवाई करे ना, जो भी जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई करना चाहिए। बताइए साहब गुप्ता जी जो अन्य किसान जो परेशान हो रहा है इसके अंदर कार्रवाई होना चाहिए। आरोप ये लगा रही है कि साहब कार्रवाई करें आरोप इनका ये, और उधर वो ये कह रहे हैं कि साहब ये इनके समय पे हुआ है पूरा घोटाला, दम कार्रवाई करें जो उसमें जिम्मेदार है। ठीक है आपकी बात आ गई, आ गई आपकी बात, अधिकारी करते हो। देखिए जहाँ तक धान को किसान से खरीदी फिर मिलर के माध्यम से जो मिल है उनसे चावल परिवर्तित होकर गोदाम में जाए, और ये शिकायत सिर्फ क्या राज्य के गोदामों में प्राप्त हुई? FCI ने तो ऐसा चावल अगर आपको दिया है सिविल बांटने के लिए तब तो आप दिल्ली सरकार को जांच कराती। कहीं ना कहीं ये राज्य का जो रैकेट है वो मैंने आपको बताया ना 4 साल पहले जो रैक का मामला वो तो प्रत्यक्ष उदाहरण था, बहुत लंबा गेम था उसमें, वो चावल का पता ही नहीं चला फिर ना, तो वो वहां से आया नहीं। इसके पहले आपको याद होगा 2008 की अगर हम बात करें 8 से 13 के बीच में जी, तो मुख्यमंत्री जी खुद शिवराज जी उस समय भी मुख्यमंत्री थे जी, जी, तो वो नागरिक आपूर्ति निगम के भंडार ग्रहों में गए थे, भोपाल में भी गए थे, उन्होंने ऐसा गेहूं पकड़ा जिसमें मिट्टी मिट्टी मिली हुई थी। तो
सवाल ये है कि आपको क्या लगता है वो वाकई नतीजे तक पहुंच पाई या उसको भी रफा दफा कर दिया? वो जो वेयर हाउस कॉर्पोरेट उन्होंने अधिकारियों ने फिर एकदम टर्न डाउन किया कि साहब देखिए वो सरकारी गोदाम नहीं था, हमने प्राइवेट गोदाम लिया और प्राइवेट हो सकता है प्राइवेट व्यापारी ने चाबी मतलब ऐसा करके और उसको बदला, नीचे लेवल के 3-4 लोगों को निलंबित किया, साल भर उनकी जांचें चली और अंत में किसी पर कोई ऐसी फाइनेंशियली कोई जुर्माना नहीं हुआ ना उस पर ऐसी कोई कार्रवाई हुई। तो ये तो सिर्फ प्रशासन क्या है, जब कोई चीज मीडिया कोई किसी चीज को सामने लाता है और ये तो सामने लाया कौन भाई, बाकी मीडिया ने ही ये बताया कि साहब यहाँ इतना गंदा चावल या जो उसमें वितरित हो रहा है, तब दिल्ली के लोगों ने जांच कराई, भाई राज्य भी इसमें सक्रिय हो सकता था, वहां भी वहां से भी मंत्री है, पूरे जबलपुर डिवीजन में भी जनप्रतिनिधि है, लेकिन किसी ने ना कांग्रेस ने उठाई आवाज ना बीजेपी ने उठाई। नहीं तो क्या लगता है इसमें ये जो जनप्रतिनिधि थे वो भी इन्वॉल्व? हाँ निश्चित रूप से, ये खास बहुत बड़ा मैंने कहा ना सर, रैकेट में अकेला प्रशासन की हिम्मत नहीं होती है, जब तक प्रशासनिक अधिकारियों को स्थानीय राजनीतिक जो प्रभावशाली लोग हैं उनका जब आपस में समन्वय बैठता है तभी इस तरह का। बालाघाट चूंकि इतना दूरस्थ जिला है और वो महाराष्ट्र गोंदिया जिले से लगा हुआ है, वहां क्या हो रहा है चाहे लकड़ी चोरी का मामला हो, चाहे सारा ट्रैवल का मामला हो, चाहे हैंडपंप लगाने का, आप जितने भी किस्से उठा लें बालाघाट में आपको छोटा मोटा काम नहीं मिलेगा, करोड़ों का कोई ना कोई रैकेट मिलेगा हर क्षेत्र में। तो ये दोनों दल जो बात कर रहे हैं किसानों की, ये बिल्कुल बेतुकी बात कर रहे हैं, वास्तव में कोई इनका सिंपैथी नहीं है। सिंपैथी ये है कि क्योंकि हमारा बहुत बड़ा वोट वर्ग जो है वो किसान वर्ग से आता है और जहां तक कर्जों की भी बात हुई है 26 लाख की ये बात करते हैं, भाई आपने एक जब सरकार में आए थे सत्ता में आए थे मैंने प्रश्न में कहा था हम किसानों का कर्ज एक मुश्त माफ करेंगे, ये तो कहीं नहीं कहता कि हम किस्तों में माफ करेंगे। अब इनकी भाई वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं थी, इन्होंने उसको समझे ही नहीं, तो इन्होंने 50,000 तक के 1,00,000 तक के जो कर्जे थे वो किसी तरह माफ किए और उसमें भी सोसाइटियों का जो पैसा था या बैंकों का पैसा था वो समायोजित हुआ, वास्तव में किसान को उसमें किसी तरह की कोई नकदी का लाभ नहीं मिला। अब वो दूसरा दल उसी पर राजनीति कर रहा है कि साहब आपने 2,00,000 वाले छोड़ दिए, तो ये इन सबसे कोई उसका रास्ता नहीं निकलना, रास्ता ये निकलना नहीं है। पर यहाँ ये बात उठ रही है कि किसान इस समय इतना निरीह है, इतना परेशान है कि एक तो बीमा की राशि उसको अभी तक नहीं मिली है जी जी। दूसरा उसकी जो खरीफ की फसल है वो बाढ़ के कारण नष्ट हो गई, खराब हो गई, पर सर्वे करने वाले कहीं पहुंच नहीं रहे हैं, उधर सीएम रोज निर्देश दे ही रहे हैं, तो क्या हो रहा है, नीचे स्तर के लोग सुन नहीं रहे या फिर क्या है? प्रशासन में हैपेजर्ड स्थिति हो गई है, एक व्यक्ति के जुम्मे यदि ये ड्राइव करके जैसे पहले कई बार इस तरह के अभियान चले हैं तो उस समय अकेला पटवारी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं रहती थी, एग्रीकल्चर का, डेवलपमेंट का, ग्रामीण विकास का, सारे लोग मिलके एक साथ इस तरह के इस पूरे क्षेत्रों में एक साथ एक समय सीमा दे दी जाती थी कि 3 दिन में सारा आप आकलन करें, आकलन करके मुआवजे के केसेस बनाए। पर वस्तुस्थिति ये है कि कोरोना संकट के कारण राज्य की आर्थिक स्थिति दिवालिया हो चुकी है, दिल्ली सरकार की भी स्थिति दिवालिया हो चुकी है, इनके पास पैसे ही नहीं है, लोग लुभावन घोषणा अवश्य कर रहे हैं लेकिन वास्तविक रूप से देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। अब ये जो पुरानी जो व्यवस्था है, कह रहे हैं देने के लिए नहीं है, दे तो रहे हैं नहीं, उसमें चावल राशन सब तो दे रहे हैं, वो तो फेयर प्राइस शॉप में जो मिलने वाला जो कोटा है वो दे रहे हैं, कोई अलग से कोई व्यवस्था थोड़ी कर रहे हैं। अब 6-4 में उनका मुआवजा बनेगा, मुआवजा अगर रेवेन्यू बुक सर्कुलर के हिसाब से बनेगा तो उनके बहुत सारे मुआवजे बनेंगे, अब वो उनके केसेस जल्दी बन जाएंगे तो इमीडिएट पैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी, सबके खातों में रिलीज करना पड़ेगा। तो इनको प्रशासन को चाहिए, जो हमारे राहत आयुक्त हैं, प्रमुख सचिव स्तर के लोग हैं, शासन स्तर के लोग हैं, जब मुख्यमंत्री कह रहा है, चूंकि पूरे मध्यप्रदेश की ऐसी स्थिति नहीं है, मालवा का कुछ हिस्सा है, भोपाल और होशंगाबाद संभाग का कुछ हिस्सा जो अति प्रभावित है, जहां इमीडिएट कुछ जो नर्मदा पट्टी के जितने 10-20 किलोमीटर एरिया के गांव है वहां के किसानों को जो भी उचित मुआवजा हो सकता है, क्योंकि उनकी फसलें तो अब जो डूब चुकी है, जो 3-3 दिन पानी में डूब रही है वो सर्वाइव नहीं हो सकती, तो ऐसी स्थिति में अब वो सिर्फ बेचारा क्या रबी बोएगा, अभी से उसे जनवरी दिसंबर तक तो कुछ खाने की स्थिति नहीं है। तो आप उन 3 महीनों के लिए सपाक्स पार्टी ये मांग करती है कि आप उन्हें इतना राशन दें कि जिससे उनका जीवन यापन चल सके और जनवरी में दिसंबर में जब वो अपनी रबी की फसल बोए तो ऐसे किसानों को आप निशुल्क बीज की व्यवस्था करें, आप नगद पैसे दे के निशुल्क बीज की व्यवस्था तब करें, वो बीमा नहीं कर पा रहे,
अब किसान जो है वो उसी के पीछे चक्कर काट रहा है। आपकी पार्टी ने भी आश्वासन दिया कि साहब हम जल्दी कार्रवाई करेंगे, पर अभी तक 31 अगस्त तक बहुत सारे केसेस बढ़े हैं क्योंकि उसकी अवधि एक समय सीमा निश्चित है। इसके बाद सितंबर में तो सितंबर एंड से तो कई वजह के फसलें कटना चालू हो जाती हैं। अब मूंगफली निकलने लगेगी, अक्टूबर में भी पूरी फसलें कटने लगेंगी, तो वो बीमा कंपनियां भी उसमें कितना समय बढ़ाएंगी। राज्य सरकार अगर अपना हिस्सा जमा कर देती है तो कंपनी उसको नहीं मालेगी। तो अब इसको ये तो प्रशासन का संबंधित जिलों के कलेक्टर चाहें तो स्पेशल टीमें लगाकर और ये समय सीमा में ऐसे किसान जिनका फसलों का नुकसान हुआ है उनका तत्काल अगर बीमा नहीं हुआ है तो उनकी राशि प्राप्त करके उन किसानों के लिए 5-7 दिन की और अवधि बढ़ा दी जाए, 10 सितंबर तक कर दी जाए और राशि नहीं पर बढ़ा कहाँ से दें। सवाल ये आर्थिक तंगी आप देख ही रहे हैं तो ये तो और किसानों का जो संकट आ रहा है ये भी सच बात है कि वो उसके चलते आत्महत्या कर रहे हैं। दमोह में किसान ने जहर पी लिया, सीहोर में ये घटना हो ही गई है। तो सवाल ये उठ रहा है कि अगर ये घटनाएं हो रही है तो क्या अधिकारी वर्ग बिल्कुल नहीं देख रहा है कि और हो जाए? देख रहा होगा, मैंने कहा सब चूंकि इतने सारे वो प्रशासन की तरफ से मशीनरी को इतने सारे अधिक काम थोप दिए जाते हैं। अब मुख्यमंत्री दौरा कर रहे हैं तो उस इलाके के जो फील्ड स्टाफ है वो दूसरे कामों में लग गया होगा। तो अब ये इसके लिए चैनलाइज कुछ ना कुछ करना पड़ेगा क्योंकि प्राकृतिक प्रकोप हर वक्त होते हैं, दोनों फसलों में होते हैं। रबी फसल के समय बहुत जबरदस्त ओले गिरते हैं। तो आपको हमें कोई ना कोई प्रशासन को ऐसी स्थायी व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि जैसे ही कोई नेचुरल क्लेमिटी होती है उसके 7 डेज में 10 दिन के अंदर अंदर हमारा सर्वे होगा और अगले 15 दिन में 20 दिन में 1 महीने में उनका चाहे वो आवेदन करे या ना करे, अगर उसने किस खेत पर जाके जांच की है पटवारी ने, राजस्व अधिकारियों ने या जो उसके लिए नियत अधिकारी है, तो उनका मुआवजा राशि अब तो नगद भी नहीं मिलती, संबंधित खाते में ट्रांसफर हो जाती है और सारी चीजें डाटा है। भाई किसान को भारत सरकार से जो 2000-6000 रुपए मिलते हैं साल में 2 बार, वो भी तो उसके भी तो डाटा है सब इनके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और रेवेन्यू के पास है। तो मैं नहीं समझता अगर ये चाहे तो ये 2-3 दिन में सारा काम हो सकता है, सॉल्व हो सकती है। या मैं आपसे पूछना चाहूंगा संतोष जी, किसानों की आत्महत्या अभी हो रही है ऐसा कुछ नहीं है, पहले भी इस तरीके की घटनाएं हो चुकी हैं और आपके सरकार के समय भी बहुत किसानों ने आत्महत्याएं की, तो ये राजनीतिक इशू क्यों बनाना, समस्या की जड़ तक क्यों नहीं जाती? देखिए राजनीतिक इशू वाले प्रकाश जी बहुत अच्छी बात करी आपने, राजनीतिक इशू हम नहीं बना रहे, हम तो चाह रहे हैं किसानों को जल्दी से जल्दी लाभ हो। जहाँ तक आप उसकी बात कर रहा हो, जितने भी जहाँ जहाँ ये आपदा घटी है, जहाँ जो बाढ़ आई, आज की डेट में पटवारी और आई ही चाहे तो एक दिन के अंदर समस्या हल कर सकते हैं क्योंकि सबके आधार, सबके अकाउंट नंबर तक सब है उनके पास। ये तो क्या है, ये सारी सब चीजें हैं। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा गुप्ता जी कि जब सारी चीजें सरकार के पास हैं तो क्यों बीमा के नाम पे उनको परेशान किया जा रहा है कि ये कागज ले आओ वो कागज ले आओ। सरकार अपने पैसे से तो कुछ देगी नहीं है, राज्य सरकार तो मना कर दो ना, पैसे का सिर्फ 6-4 जो आरबीसी का जो क्लॉज है नेचुरल क्लेमिटी में वो पैसा देगी। उसके लिए इंडिविजुअल हर किसान का प्रकरण बनता है और उसके लिए किसान की उस जमीन में कितनी फसल उसने बोई और वर्तमान में क्या स्थिति है, भले ही खसरे में उन्होंने एंट्री की हो लेकिन वो खसरे में एंट्री तो ऑफिस में बैठ के कर देते हैं, मौके पर जाके ये जरूर देखना पड़ता है। और इसी समय वो ऐसे लोग भी ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं जिनका नुकसान 10% हुआ है लेकिन वो 100% लिखाने के चक्कर में रहते हैं। तो ये प्रशासनिक लापरवाही अपन कह सकते हैं। प्रशासन चाहे तो 3-5 दिन में सारा सर्वे करके इन सारे नहीं, पर कैसे होगा, मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं खाद की काला बाजारी रोको, रुकने की बजाय वो भिंड में और पता चला एक एक आदमी को 1200 बोरियां दे दी। जब हमारा कैरेक्टर ही गिरा हुआ है, जो हमारी मशीनरी है वो उन सुनने को तैयार नहीं है, तो कहीं ना कहीं ऐसे जो मुखिया हैं जिलों में वो बगैर किसी राजनीतिक संरक्षण के तो नौकरी नहीं करते क्योंकि सरकारें आती हैं सबसे पहले अधिकारियों के तबादले करती हैं। वो कहते हैं हमारे स्तर का, वो ही आप देखिए आज आपको इस माध्यम से बात लाना चाहता हूँ, छतरपुर कलेक्टर एक सांसद से नहीं मिले, ये वही छतरपुर कलेक्टर है जो होशंगाबाद में कलेक्टर थे इनकी कांग्रेस के समय में, जिन्होंने SDM को बंद कर दिया था और कितना विवाद चला था और उसको छतरपुर कलेक्टर बनाए हुए और ये सरकार भी बनाए हुए। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई राजनीतिक संरक्षण जब अधिकारियों पर रहता है तो बताइए साहब निरंकुश हो जाए जी क्या कहेंगे आप, ये इनकी सरकार ही वही कर रही जो आपने। देखिए प्रकाश जी, छतरपुर कलेक्टर जो है जिसने कलेक्टर से नहीं मिला तो उसको हटा दो ना आप,
नहीं हमने देखिए देखिए देखो हमारी सरकार आप ये आज देखिए प्रकाश जी बहुत अच्छी बात करी, पुरानी चीजों को आज की डेट में आप मतलब पुराने पे टाल दो, ये तो कोई हल हुआ नहीं। हल तो ये है ना कि कलेक्टर से नहीं मिला तो कलेक्टर अगर सांसद महोदय से नहीं मिल रहा है तो घोर आपत्तिजनक है, उसके ऊपर हटाना चाहिए उसको माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को। तो इसका मतलब निश्चित तौर पे जो है आप सब लोग मिलकर जो रूट करना चाहते हो। आपकी पार्टी क्या नहीं, हमारी पार्टी हमारा थोड़ी पार्टी साहब, आपकी पार्टी क्यों दबाव नहीं बनाती? देखिए हम चाहे राज्यपाल हो या सीएम, तो आप ये बताइए कार्रवाई, हमारी पार्टी अपने विरोध भाई आज सांसद राजनीति देखिए गुप्ता जी अपना धन दे के आते हैं नेताओं को और पोस्टिंग कराते हैं। तो धन दे के आते तो धन दे के आते तो फिर तो करें ना, फिर करेंगे तो सुनेगा कौन? नहीं नहीं ये देखिए गुप्ता जी देखिए सारी चीजों पर हमको तभी लग सकता है जब हमारा नैतिक बल हो, हमारे पास हमारा करेक्टर हो और हम जिस क्षेत्र के लिए आप एग्रीकल्चर का आदमी किसान के लिए देखिए गुप्ता जी तो किसके लिए काम करेगा? नहीं आप ये बात करेक्टर अगर किसान के लिए काम नहीं करेगा तो किसके लिए काम करेगा? आप क्या कहे मुख्यमंत्री के लिए काम करेगा? हमारे में चूंकि नैतिक बल ही नहीं खत्म हो चुका है, हम बार बार बातें जरूर करते हम कार्रवाई करेंगे। अरे भाई हमारा जो मूल उद्देश्य जिस विभाग का है वो अगर वो काम नहीं कर रहा है तो उन पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। आपने बोल उन पर कार्रवाई होने के साथ साथ ये नजीर प्रदेश में जाना चाहिए जिससे आगे किसी दोबारा किसी चीज की जरूरत ना पड़े। देखिए गुप्ता जी आपने बोल लिया मध्य प्रदेश के अंदर नेताओं पे सब कुछ डाल के ये अधिकारी जो है करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार, यूडब्ल्यू की जांच चल रही है, अभी एक खन्ना का आपने देखा होगा माइनिंग अधिकारी है, नेताओं के अभी करो ना छापे मारो, क्यों नहीं मार रहा हो? ये पूरा माल जो है ना ये कमाने वाले ये अधिकारी है, ये ब्यूरोक्रेट्स का बहुत बड़ा कागज है, ये जो है अब ये जो नेताओं को जो है वो करके वो पूरी लूट करते हैं। हम तो ये चाह रहे हैं कि जो किसानों का जो भी नुकसान हुआ उनके जल्दी जल्दी भरपाई होना चाहिए, इसके अंदर जो भी बाधा है उसको हटा देना चाहिए। अब इसमें अपन राजनीति करें कि साहब पहले क्या हुआ था, पहले जो हुआ था भैया वो तो हुआ था पहले वैसा थोड़ी गुजरा ना, तो इसलिए पूछना जरूरी हो जाता है कि भाई सवा साल ही हुआ उसमें से सवा साल के अंदर हमने तो बोल रहे ना प्रकाश जी, सवा साल में हमने जो करा मध्य प्रदेश की जनता ने देखा उसका रिजल्ट देगी अभी 27 बोर्ड चुनाव में। क्षेत्र में काम किया क्या? किया ना बिल्कुल किया हमने, हमने वो फर्जी जितने भी खाते थे तीन तीन तरह के लोगों के खाते खुलवा के रखे थे हमने मध्य प्रदेश के अंदर, हमने इतना बड़ा काम करा कि जो 26 लाख किसान है उसकी पेन ड्राइव दे दी, उसमें एक आध बता दो ना फर्जी है, ये तो मुंह से मुंह चलाएंगे केवल सर्वे कर लो ये कर लो। ये अधिकारी जो हैं इस पे जो लगाम नहीं लगेगी तो मध्य प्रदेश में हमारा जो गरीब, हमारा बेरोजगार, हमारा जो किसान ये हमेशा परेशान होता रहेगा। इसके अंदर जो है सोचने का विषय है, ये तो क्या कहता है भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में ये अधिकारी काम कर रहे हैं और ये ऐसे और इसलिए जो है कोई इसमें उनमें कार्रवाई नहीं होती। मेरा खुला आरोप है उन पर भैया, कैसे भी जो है आगे जो है ये घटनाएं बंद हो और किसानों को फायदा हो, ये काम जो है इनके रूप में ही काम कर रही है या फिर कुछ और है? स्थिति बी टीम कहें या ए टीम कहें सब एक ही जैसा दोनों का पक्ष है, क्योंकि अपनी विचारधारा नहीं, हमारा एजेंडा क्या है, हमारी व्यक्तियों को कैसे लाभान्वित किया जाए, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों एक ही एजेंडे पे काम करते हैं। और जिन अधिकारियों की निष्ठाएं दल के साथ जुड़ी रहती है या वो ऐसा परिलक्षित करते हैं कि हम आपके साथ जुड़े हुए हैं तो आते ही सरकारें तबादला कर देती हैं। हाँ ये अभी जैसे इस सरकार में अभी जो कमल पटेल जी हैं उन्होंने कुछ दो चार खाद वालों पर कार्रवाई हुई तो कुछ उनके एरिए में अपन मान के चले कि भोपाल चंबल में ऐसी स्थिति, भोपाल होशंगाबाद संभाग में ऐसी स्थिति निर्मित नहीं हुई, लेकिन अपन ने देखा बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट भिंड भी बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट था, सतना भी बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट था, नरसिंहपुर भी लगभग वैसी स्थिति है और वही कालाबाजारी कहीं ना कहीं दिख रही है। तो ये कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है और वहां का बिल्कुल। संतोष जी अंतिम सवाल आपसे कि ये कालाबाजारी हो रही है तो कांग्रेस सड़क पर क्यों नहीं उतर रही है? आप इस मामले में आपको लगता है कि भिंड में अगर एक आदमी को 1200 बोरी खाद दे दिया गया है तो आपको जाना चाहिए वहाँ? किसान ने अगर आत्महत्या कर ली सीहोर में या दमोह में तो जाइए बताइए तो सही, सब जा रहे हैं प्रकाश जी, कौन गया? अच्छा बताइए सीहोर तो यहाँ से आधा एक घंटे का रास्ता था, अभी कौन सा नेता गया आपका? कौन सा नेता वहाँ लोकल नेता गए वहाँ पे जाएंगे नेता भी जाएंगे रोज निकलते आपके ही आपके पूर्व मुख्यमंत्री को कोई काम नहीं है तो कम से कम वहाँ जाके देख तो आते किसानों की क्या स्थिति है। मुख्यमंत्री रहते हुए नहीं देखा उन्होंने कभी कोई गांव ऐसा नहीं है प्रकाश। चलिए मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था और हकीकत यही है कि किसान हो या गरीब हो इन दोनों के मुद्दों पर
नेता राजनीति बहुत करते हैं, परंतु उनके हितों की रक्षा करने के बारे में कोई नहीं सोचता। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतने ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर, न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सब खबर।